हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइज समीर। फ्रेंड्स, ये जो आरओ देख रहे हो इसमें एक प्रॉब्लम आया है। ये फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये है इस फिल्टर के पानी को लेकर। ये जो मेम्ब्रेन से पानी आ रहा है, ये है मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन से जो पानी आता है वो हमारे जाता है किसमें, इस टैंक में। तो ये जो पानी आ रहा है ये बहुत ही स्लो आ रहा है। हालांकि प्योरीफायर कर रहा है, ये फिल्टर पानी आ रहा है, TDS ठीक आ रहा है, लेकिन इतना स्लो आ रहा है कि आप अगर इसको चालू करोगे तो ये जो टैंक आप देख रहे हो यहाँ तक भरने में करीबन 5 घंटे ले रहा है। और जबकि इसको लेना चाहिए ज़्यादा था 1 से 1.25 घंटे में ये पूरा भर जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये 5-6 घंटे ले रहा है, क्योंकि जो ड्रॉप करके पानी आ रहा है ना, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। और इधर हम देखेंगे जो वेस्टेज वाटर है ना, तो वो तो ठीक आ रहा है, वेस्टेज वाटर ठीक निकल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आरओ में जितने भी फिल्टर होते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये किस फिल्टर की वजह से आती है मेनली, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये जो भी फिल्टर इसमें ख़राब निकलता है तो वो फिल्टर ख़राब क्यों हो जाता है वो भी हम जानेंगे। आपको खुद से सही करना है तो आपको जांचना क्या है, देखना क्या है कि इसमें हमारा कौन सा फिल्टर ख़राब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, इधर से हम लोग देखेंगे ये वेस्टेज पानी पूरी तरह से प्रॉपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ड्रॉप कर करके गिर रहा है ना पानी, ये 2 कंडीशन से प्रॉब्लम आती है। पहली कंडीशन होती है इसमें लगी मोटर, ये जो मोटर आप देख रहे हो ना, ये मोटर भी इसकी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है इसका मेन जो होता है मेम्ब्रेन। अच्छा, मोटर जो है ख़राब क्यों होती है? मोटर ख़राब होने का रीज़न होता है कि मान लीजिए इसके ऊपर पानी चला गया हो या ये शॉर्ट्स हो गई हो, तो ये अच्छी तरह से बूस्ट नहीं कर पा रही हो, ये टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, वो मोटर में आ सकती है, जिसकी वजह से मोटर पानी को बूस्ट नहीं कर पा रही हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है वो आती है मेम्ब्रेन से। तो मेम्ब्रेन क्यों ख़राब हो जाती है ये जान लेते हैं। देखिए, मेम्ब्रेन ख़राब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो कारण होता है मेम्ब्रेन ख़राब होने का, वो होता है ये जो फिल्टर लगा हुआ है ना, ये प्री फिल्टर बोलते हैं, ये होता है क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो आता है टंकी से डायरेक्ट, जहाँ से भी आपने सप्लाई ली होगी वहाँ का जो डायरेक्ट पानी आ रहा है ना वो आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे टंकी का पानी आता है तो टंकी का पानी में बहुत सारी गंदगी होती है, काई होती है, डस्ट होती है, समर के पानी में बहुत सारी गंदगी होती है, तो ये फिल्टर उल्टर उन बड़ी बड़ी गंदगियों को रोकता है, तो आउटलेट में साफ पानी जाता है। तो साफ पानी जाने के बाद में ये जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं, सेडिमेंट फिल्टर लगा हुआ है, फिर कार्बन फिल्टर लगा हुआ है, तो इसके बाद जो है इन फिल्टर के पास जाता है, जो बची खुची गंदगी होती है पानी में वो ये फिल्टर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को साफ करके फिर मेम्ब्रेन तक पहुँचाते हैं। मोटर लगी हुई है, मोटर से डायरेक्टली ये मेम्ब्रेन में गया है पाइप। अब जो ये मोटर से पानी आ रहा है, ये जो जितने भी कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन से फिल्टर होके पानी मोटर को दिया, मोटर से वही पानी जो फिल्टर हुआ है वो जा रहा है मेम्ब्रेन। अब ये जो पानी आ रहा है ये बहुत ही साफ़ आ रहा है, इसमें किसी तरह का डस्ट नहीं है, किसी तरह की कोई काई नहीं है, बहुत ही साफ पानी है। अब ये फिल्टर करेगा आपके पानी के टेस्ट को, बदल देगा ये मेम्ब्रेन। जी हाँ, सबसे मेन रोल इस मेम्ब्रेन का होता है। अगर आपके पानी का जो टेस्ट है वो बदल गया है, या पानी इस तरह से गिर रहा है, बहुत स्लो हो गया है, तो मेम्ब्रेन चोक हो गई है, टेस्ट बदल गया तो मेम्ब्रेन चोक हो गई है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। फिर ये पानी को फिल्टर करता है और आपको देता है। अब देखिए ये ख़राब कैसे हो गई। मान के चलिए आपने ये बहुत महीनों से बदला नहीं है, पानी में जितना भी कूड़ा आ रहा है, जितने भी डस्ट आ रही है, उसको रोक नहीं पाया और वो एज इट इज़ उसने इन फिल्टर में दे दिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके ये फिल्टर भी ख़राब हो गए और ये मेम्ब्रेन भी ख़राब हो गई। तो यही कारण होता है कि आपको को पानी के अनुसार हर 3 से 6 महीने में ये फ़िल्टर चेंज करना होगा। ज़्यादा महंगा फ़िल्टर नहीं आता फ्रेंड्स, 70 रुपये का फ़िल्टर आता है, आप खुद चेंज कर सकते हो। बस ध्यान ये रखिए कि हर 3 से 6 महीने में इसको चेंज करिए और आपकी जो मेम्ब्रेन है ना वो सालों साल चलेगी, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि डस्ट आएगी नहीं पानी के साथ में, तो ये मेम्ब्रेन आपकी काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। तो अभी ये जो सिचुएशन है ना मेम्ब्रेन ख़राब होने की वजह से आई है, तो मैं अभी मेम्ब्रेन चेंज करके दिखाऊंगा आपको कि मेम्ब्रेन चेंज कैसे करते हैं। प्लग निकाल लेंगे, प्लग निकालने के बाद में हम इसको करेंगे यहाँ से, ये देखिए ये जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो गई है ख़राब, ये पानी नहीं निकाल रही है ढंग से, तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। फ्रेंड्स, ये है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को लगाते कैसे हैं चलिए जानते हैं। ये जो इसका साइड वाला भाग देख रहे हो ना, इसमें 2 वाशर लगे हुए हैं रबड़ के, ये हिस्सा जाएगा मेम्ब्रेन के हाउसिंग में नीचे की ओर। जी हाँ, ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, इसमें नीचे की ओर ये वाला हिस्सा जाएगा, और जब ये आप डाल रहे हो ना इस तरीके से, तो ये दबाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, इस तरह से इसको दबाइएगा, पुश करिएगा अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ पुश करने के बाद में एक प्लास लीजिएगा और इसको घुमा के इस तरीके से इसको
कस दीजिएगा। जब इसको टाइट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसको इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद में आपको टाइट इतना कर देना है जिससे कि पानी लीकेज ना हो और ये पूरी तरह से हो जाए। तो ये आपका जो मेम्ब्रेन है ये हाउसिंग में असेंबल हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे कहाँ पर, आरओ में। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो मेम्ब्रेन लग चुकी है और ये रहा मेम्ब्रेन का आउटपुट वाला पाइप जिसमें से मेम्ब्रेन का जो पानी है, फिल्टर पानी है, वो निकलेगा। और ये रहा इसका वेस्टेज। तो चलिए चालू करते हैं आरओ को और चेक करते हैं कि किस तरह से ये दे रहा है। देखिए अभी तो पानी नहीं आ रहा, पहले बूंद बूंद करके पानी आ रहा था, अभी देखते हैं किस तरह का पानी इसमें से निकलेगा। फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो पहले बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप वाटर आ रहा था, लेकिन अभी जो इसकी स्पीड है पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड इसकी पहले से बहुत अच्छी स्पीड हो गई है पानी की, और ये जो वाटर आ रहा है बहुत ही फास्ट आ रहा है। अब इस हिसाब से जब ये भरेगा ना तो करीबन एक घंटा सवा घंटे में ये जो है आपका आरओ को पूरी तरह से पूरा यहाँ तक एक से सवा घंटे में भर देगा। ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर आ रहा था लेकिन अभी इसकी स्पीड जो है बहुत अच्छी हो गई है। अभी हम इसको कर देते हैं बंद। देखिए तो ध्यान रखिएगा जब भी ये यहाँ तक भरने में, जब भी आपका टैंक भरने में ज़्यादा टाइम लगाता है, एक घंटे तक सवा घंटे तक भर जाता है तो ठीक है, अगर दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे लगा रहा है तो समझ लीजिए कि या तो आपकी ये जो मेम्ब्रेन है ये ख़राब है या तो फिर आपकी ये जो मोटर है ये ख़राब है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में से एक चीज़ ख़राब होती है जब भी आपका पानी फिल्टर नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।